फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर में 1:30 बजे से, और मैं अब जा रही हूँ वैभव को लेने। और आज मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ, मतलब खुश तो रोज ही रहती हूँ बट आज कुछ ज़्यादा खुश हूँ। और उसका रीज़न ये है कि आज मेरी तीनों दीदियाँ एक साथ हमारे घर आ रही हैं। तो आप सोच सकते हो, जब दीदी या बहनें घर आती हैं तो कितना अच्छा लगता है। और अभी वो दिल्ली से तीनों निकल रही हैं एक साथ, शाम तक पहुंचेंगे हमारे यहाँ। तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी दीदी से, और मुझे ना बेसब्री से उनका इंतजार हो रहा है। तो उससे पहले मैं वैभव को लेकर के आती हूँ जल्दी से। दो एक रोटी और ना, 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 ना। सासू माता को थकान लग गई मेरी मायके की। ले लो ये, खाया? ये कैसा हो रहा है पास्ता? बब्बू तो खा रहे हैं, मैं बहुत नहीं मानूंगा। खैबती देखो जरा, टेस्ट करो। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं लंच। और लंच में बना है टेस्टी सा पास्ता। और शेखर ने और सासू माता ने बोल दिया था पास्ता नहीं खाना है, उनके लिए बना दी थी रोटी, सब्जी सुबह की थी। तो अब हम लंच करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हो चुकी है रात, और रात के बज चुके हैं 10, और मेरी दीदियों का अभी अभी जस्ट फ़ोन आया था कि वो पहुंच गए हैं काशीपुर। तो काशीपुर से आने में यहाँ लगता है आधा घंटा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने बताया था दीदियाँ आ रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हमने, दीदियाँ कह रही थी मजाक मजाक में कि तब तक तो फूलमाला का वो करके आ जा, गेट पर खड़ी हो जा। मैंने कहा ठीक है, फूलमाला और आरती की थाली सब लेके बैठ जाती हूँ मैं। तो मेरी दीदियों की एक्साइटमेंट मुझे तो थी मुझसे ज़्यादा शेखर को है। कब से किचन में ही आज उनको चटनी और पता नहीं क्या क्या बना दिया है। खैर, सब्जी तो मैंने ही बनाई है। और सब्जी में क्या है, एक तो पनीर और साथ में मटर इसमें पक गए हैं, और इसमें बनी है मिक्स वेज। लेकिन चटनी की पूरी तैयारी इन्होंने कर रखी है। कह रहे हैं आज मैं अपनी वो अपनी मतलब क्या लगी हो बड़ी थालियाँ, तो उनको बिल्कुल तीखी चटनी खिलाऊंगा, कह रहे हैं अपने हाथों की बनी हुई है भाई। ये देखिए गाइस, ये मिक्स वेज है। टेस्ट में कैसी होगी वो मुझे नहीं पता, बट दिखने में कुछ ऐसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये मटर पक चुका है। एक मिनट अभी मत डाल। तो फ्रेंड्स, पनीर की सब्जी भी हो चुकी है एकदम रेडी, और मैंने टेस्ट कर ली है तो बड़ी स्वाद हो रही है। दोनों अम्मा नाती यहाँ बैठे हुए हैं, अम्मा और नाती नतिया। तो फ्रेंड्स, दीदियों का फोन आ चुका है, वो बाहर पहुंच चुके हैं और शेखर इनको लेने जा चुके हैं, घर से निकल चुके हैं। क्या बात है, पतिदेव बैग ले आए हैं। तो फ्रेंड्स, दीदियों से पहले आ चुके हैं उनके बैग, मतलब अभी शेखर फिर गए हैं उनको लेने। तो वैभव उनके साथ आ रहा है और शेखर ला रहे हैं बैग स्कूटी से। तो पिट जाएगा। हाँ, ये देखो, ये वैभव भी ला रहा है। के बैग हैं तो अंदर लेकर क्या, कम इन साइड। ओए ओए, आराम से लो। अरे उनको एक आधा बैग और है। लो, मैंने इतना सारा सामान साथ दिया। ये हो चुकी है धमाकेदार एंट्री। एक दीदी तो आ चुकी हैं। उनको पहली बार वेलकम मम्मी, वेलकम अगेन नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक दीदी आ चुकी है, हेलो, मतलब तीनों आ रही है लेकिन एक दीदी पहुंच गई है अभी। ये धमाकेदार एंट्री। लोटे, ये नमस्कार। ये अच्छा, अंदर यहाँ नहीं दिख रहा। ये नंबर वाली दीदी छोड़ बैठी घर का, अपने गृह प्रवेश करवा दिया मोटी मोटी। ये बड़ी दीदी, मैं तो बुढ़ी जे लागण हो ना, मैं टाइकोट लागू हूं।
अच्छा ये मिल गई हम चारों बहने, इधर को देखो जाओ। सुबह से एक्साइटेड और की थी, दीदी आ रही है फाइनली पहुंच गई है रात के 10 बजे। ये आए हैं मेरे पति परमेश्वर, मेरी दीदियों को, अपनी सालियों को, मेरी दीदियों को, जिनके लिए कि वो बिल्कुल इतने दिनों से एक्साइटेड हो रखे थे। देखिए रौनक कितनी है हमारे आने से, फरफराहट पड़ गया है जिनका की। चल अब अंदर आ। तीनों हेलो कृष्णा जी के लिए। ये एक पिक्चर क्लिक होनी चाहिए, होनी चाहिए। हेलो तो फ्रेंड्स वैभव लेके जा रहा है थाली, उठा वहां रखते जाओ और फिर ये सामान लेने आ जाओ जल्दी जल्दी। गैस के अंदर थाली उल्टी रख रखी है। हाँ तो उल्टी। और ये मैंने सब्जी कर दी गरम। और देखिए शेखर ने क्या मजेदार चटनी बना दी है, एकदम धमाका। तो आज देखिए कैसे सब मिल करके एकदम खाना खा रहे हैं और वैभव कर रहा है खाना सर्व। ओ यह साग ले रख बब्बू, दूसरा साग ले रखे। ज्यादा परेशानी नहीं से यार, जरा से छीन ली ये पजप्पा कर लिया सही हो। थोड़ी थोड़ी रखियो अरे ये जो जो हम ये बात पहले एक मिनट में रह लेता। रख और चटनी भी रख साथ में। पहले बरातियों को देते, घरातियों को देते। हमारा फाइनली हो चुका है हम लोगों का खाना और अब हो गई है सोने की तैयारी। तो क्या है सबके सब अपने बिस्तर में, दीदी वहां जा चुकी है, सासू माता यहाँ सो रही हैं, वैभव नीचे सो गया है और वैभव के बराबर में मैंने सोना है क्योंकि वैभव ने बोल रखा है मम्मी कल से तो मैंने अम्मा के साथ ही सोना है, आज आपके साथ सोना है। वो दीदी जा चुकी हैं और ये बड़ी दीदी अभी फिलहाल फोन पे कुछ जिया जी के मैसेज वैसे चेक कर रही हैं और शेखर दे रहे हैं सबको बोरोलिन, कह रहे हैं तुम ज्यादा ठंडी में आ गए हो। बस और अब मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ चाय क्योंकि दीदी लोग कह रहे हैं ना उनको लग गई है थोड़ा ठंड, तो मैंने रख दी है चाय बनाने के लिए। तो आज पहली बार खाने के बाद चाय पीते हैं जरा। तो फ्रेंड्स अब मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड और अपनी दीदियों से मारती हूँ थोड़ा गप्पे सप्पे क्योंकि हम पूरे 1 साल बाद मिले हैं। हाँ बड़ी दीदी मतलब जो मुझसे बड़ी वाली हैं रूपा दीदी, उनसे तो मैं एक बार मिली थी पहले क्योंकि दीदी आई हुई थी, लेकिन बाकी 2 दीदियों से पूरे 1 साल बाद मिल रही हूँ। तो अभी चलेंगे हमारी देर रात तक गप्पे सप्पे। 12 ऑलरेडी बज चुके हैं, मैं आप लोगों को टाइम अभी का बता दूँ, रात के 12 बज चुके हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।